सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम चले हैं, एक छोटा सा ट्रिप है रियासी, जम्मू टू रियासी। और टोटल हैं 3 बाइकें, एक KTM RC 390, सॉरी KTM ड्यूक 390, डोमिनार एंड पल्सर 135। तो चलिए आपको जम्मू की खूबसूरती दिखाते हैं। अभी हैं हम जम्मू पहुँचे हैं, नगरोटा में ही है बेसिकली, और ये नया जू है जो हमारे जम्मू में बनने जा रहा है। आई डोंट नो कब तक बनेगा, अंडर कंस्ट्रक्शन है, थोड़ा बहुत हो जाता है कभी कभार बोलने में। तो ये रहा एक हमारा दोस्त फलक साहब, एक पीछे है, टाइम हो गया है 1:15, जिनको नहीं पता 12:45 हो गए हैं। अभी हम सिर्फ पहुंचे बन के पास, बेसिकली हम ऐसा ऐसा चला रहे हैं इसलिए। तो फाइनली ट्रक निकल चुका है और हमारी बाइक हीट मार रही है क्योंकि वो एक जगह खड़ी है और धूप बहुत ज़्यादा है। कटरा में अभी हम कटरा के रास्ते में, उसके बाद आएगा रियासी, रियासी के बाद हम पहुंचेंगे उस जगह पे, नाम मैं बताऊंगा लास्ट में, क्योंकि ये एक नई जगह है जो भी रिसेंटली 1 वीक पहले ही लोगों को पता चला है। बेसिकली इससे पहले लोगों को पता नहीं था, तो मैं सोचा कि चलो आपके लिए भी एक वीडियो बनाई जाए, एक व्लॉग बनाऊँगा उस पर कि वो जगह कैसी है कैसी नहीं है। रास्ता तो आपने देख ही रहे हैं आप जैसे वीडियो में, तो आप बताइएगा जगह कैसी है जो जम्मू के लोग स्पेशली देख रहे हैं। तो बेसिकली एक्चुअली ये फर्स्ट टाइम हमने देखा, तो हम सोच रहे हैं एक वीडियो आपके सामने लाई जाए। तो मैं भी एक वीडियो बना रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। तो देखा आपने, पंचर लग गया है हमारा। एंड मुझे लगता है ये सबसे मजबूत पंचर होगा जो ज्यादा देर तक चलेगा। तो जस्ट अभी आपने देखा पंचर लगाया हमने, एंड मैंने फर्स्ट टाइम देखा है पंचर ऐसा किसी ने लगाया हो जम्मू में, बाकी जगह लगाते होंगे आई डोंट नो। एंड मुझे लगता है ये पंचर ज़्यादा ड्यूरेबल है एज़ कम्पेयर टू अदर। तो हमें मिल गया एक और मेरा दोस्त जो कि सौरभ है, और बहुत अच्छा लग रहा है रास्ते में आते हुए बहुत सारे लोग मिल रहे हैं। सामने है वैष्णो माता, जैसे कि आप देख रहे हैं जो लोग आ चुके हैं, चाहे वो जम्मू से हैं नहीं है, बाहर से हैं, वो भी देख चुके होंगे वैष्णो माता। तो मज़ा और आने वाला है बिकॉज और फ्रेंड्स एड ऑन हो रहे हैं, मज़ा भी आ रहा है, मौसम भी अच्छा हो गया है, दोस्त बढ़ते हैं तो खुशी बढ़ती है। तो दोस्त आगे मिल रहे हैं, तो देखते रहिए वीडियो, मुझे तो अच्छा लग रहा है, अब आपको अच्छा लगेगा मुझे बताइएगा। वो फ्रेंड निकला नीचे वाली साइड और यहाँ ही है आई थिंक, यहाँ पे एक और कोई मिल गया शायद। तो जम्मू में एक और जगह है जैसे कि ये है गार जीतो नाम है इसका, ये भी एक टेंपल है, और आगे जाके आएगा 9 देवियाँ, वो भी हम दिखाएंगे। उसके आगे कुछ और अच्छे अच्छे दृश्य भी आएंगे, सुल्ला पार्क, और आगे डैम भी आएगी, सब दिखाएंगे, बस वीडियो देखते रहिए। तो ये रहा चिनाब दरिया, ठंडी ठंडी हवा आ रही है, व्यू देख सकते हैं आप। यहाँ का व्यू और ब्रिज देखिए, पानी भी देखिए, आगे सियाड़ बाबा आएगा, मौसम बहुत अच्छा है और व्यू भी। एंड सियाड़ बाबा आ गया है, सियाड़ बाबा वो लिखा हुआ J&K टूरिज्म वेलकम यू सियाड़ बाबा। थोड़ा सा बहुत पानी है तो ये तो एडवेंचर है, लेट्स। तो बेसिकली हम आ गए सियाड़ बाबा, ये है सियाड़ बाबा, ऊपर से झरना गिरता है वो जो आप देख रहे हैं बहुत टॉप से, आई होप आपको दिख रहा होगा, पानी कम है पहले से बट जो ब्यूटी है वो अभी वही है। कुछ हिली एरिया देख रहे हैं आप, मुझे तो ले वाली फीलिंग आ रही है भाई, जैसा कि ले में होता है, नीचे पत्थर पत्थर ऊपर पहाड़ पहाड़ और मौसम, जो मौसम है ना यहाँ पे वो, डैम भी वो देखिए अभी आपको डैम भी दिखाएंगे,
मौसम ठंडा ठंडा, हवा ठंडी ठंडी, जैसे सर्दियों का मौसम। इसके लिए भी हम जा रहे हैं डैम देखने के लिए, पता नहीं परमिशन मिलती नहीं मिलती। लेट्स सी, अपने फौजी भाइयों से पूछते हैं। भैया देख सकते हैं, मोबाइल जेब में रखो। मोबाइल जेब में ही है, बता दिया तो फिर किस लिए? तो गाड़ी आराम से बिल्कुल आहिस्ते चलाएंगे, क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट का रोड नहीं है, यहाँ से एनएचपीसी का नियम लागू। हम सबको दिखाएंगे भैया, थैंक यू। तो चलो अब हम चले डैम देखने के लिए। एक भाई हमारा निकल गया आगे और डैम का व्यू आप देख सकते हैं। फाइल उन्होंने बोला जेब में, बट कैमरा ऑन है मेरा, तो आप डैम का एंजॉय कीजिए व्यू। उन्होंने बोला कुछ रूल्स हैं विच वी हैव टू फॉलो। एंड डैम बहुत ज़्यादा गिर गया यार। हम डैम के बीचों बीच निकलेंगे अभी, और मेरे को गहरे पानी से बहुत डर लगता है यार। बेसिकली आई डोंट नो कहाँ है यार, इधर ही है क्या? यहाँ पे तो रुके नहीं है वो, और ये देख सकते हैं ये पानी रोका हुआ है जो डैम का है। ये डैम के अंदर जो मशीनरी यूज होती है वो है, बड़ी मुश्किल से परमिशन मिली है। मुझे लगता जैसे कि आप रोड देख रहे हैं थोड़ा टफ भी है। बेसिकली हम डैम के बीच में से निकले थे, तो थोड़ा ऑफ रोडिंग सब मिक्स ही है। एंड डैम बहुत बढ़िया है, मौसम बहुत अच्छा है, बट टाइम हो चुका है 4:30 एंड स्टिल अभी हम डेस्टिनेशन पे नहीं पहुँचे हैं, बिकॉज हम ऐसे ऐसे चल रहे हैं, बीच में खा पी रहे हैं। यहाँ पे बाइक कैसे लेके जानी है आई डोंट नो। और बाइक कहीं दफन हो जाए, ओह माय गॉड बाइक स्लिप हो रही है। जहाँ बाकी लोग हैं हम वहाँ पे, पानी है वहाँ पे जा रहे हैं, पानी बहुत है, थोड़ा टफ है यार चलाना। लेट्स सी यार, आगे से निकालते हैं, यहाँ से गाड़ी, सॉरी गाड़ी नहीं बाइक फंस जाएगी। चलो ट्राई मारते हैं। फिश बाइक पूरी घूम गई है, और फाइनली हम पहुंच गए हैं डेस्टिनेशन पे, और ये है वो डेस्टिनेशन। हाँ तो बाकी फ्रेंड्स पहुंच गए हैं। हाइट कोलेंट टेम्परेचर बता रहा भाई, गाड़ी गर्म हो गई है, मींस अब हम जा रहे हैं दूसरी जगह। बट यहाँ पे रास्ता बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ओ फिश, तो अभी हम आगे जा रहे हैं, रोड तो है नहीं है, टोटली ओपन एरिया है। एंड यहाँ पे फिर से ऑफ रोडिंग करनी पड़ेगी, बाइक स्लिप हो गई थी फिर से। लेट्स सी, बिना पाउंड लगाए निकालेंगे इसको, होपफुली पहुंच गए हम। आ
always dreaming but with food to eat. Why they sleeping, why they snooze, don't be. I was seizing opportunity. Now they don't know what to do with me. I keep going hard like I'm in puberty. Rebellious in my blood, there ain't no ruling me. Coming for the top, this is a mutiny. I want percentage, yeah. Put you in your mind like fuck your business, yeah. You never had a chance like an abortion. Fuck it, you don't wanna play with me, that's forfeit. Oh shit, took it to a place that never thought he could. Now the lone wolf is howling up in Bollywood. Now I got some confidence, they call me cocky. Put your fucking tiger in the eye, I feel like Rocky. I am untouchable, I cannot fuck with you. I do not follow rules, makes me uncomfortable. I got all this passion and desire, force my path for with the fire. Never passive, I acquire till I'm crashing your empire. They were sleeping, they were snooze on me. I was dreaming but with food to eat. Why they sleeping, why they snooze on me? I was seizing opportunity. Now they don't know what to do with me. I keep going hard like I'm in puberty. Rebellion's in my blood, there ain't no ruling me. Coming for the top, this is a mutiny. सो फाइनली हम पहुंच गए हैं चिंका जगह का नाम था बेसिकली मैंने स्टार्टिंग से अभी तक आपको बताया नहीं था एंड जस्ट अभी बता रहा हूं एंड व्यू आप देख सकते हैं बाकी भाइयों से पूछते हैं उनको कैसा लगा कैसा व्यू लगा और रास्ता कैसा था बताना चाहूंगा काफी अच्छा व्यू है यहाँ का बट जब हम यहाँ पे पहुंचे थे तो इतना अच्छा वाइब नहीं आया जितना पूरे रास्ते में हमें ट्रैवल करते करते आया। बेसिकली रास्ते में मौसम ज्यादा अच्छा था और ठंडी हवा चल रही थी। यहाँ पे वैसा मौसम नहीं है, धूप बहुत ज्यादा है और गर्मी भी इतनी जितनी नहीं है, बट फिर भी भाई उस हिसाब से ये जगह नॉट सो वर्थ। वैसे डिसअपॉइंट होने की कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा भी और चार पांच स्पॉट्स आते हैं रास्ते में, जैसे सियाड़ बाबा हो गया, नौ देवी टेम्पल हो गया, सुल्ला पार्क, आप वहाँ पे वो हमने वीडियो में बताया, देखते रहिए सारी वीडियो पूरी। ये जगह भी अच्छी है, अभी एक्सप्लोर अभी हुई है, नई नई तो टाइम लगेगा इसको अच्छा थोड़ा। इन भाई को मोस्टली लोग जानते होंगे जो जम्मू के होंगे, ये बताएंगे इस व्यू के बारे में, इस जगह के बारे में और रास्ते के बारे में। मैं तो बोलता हूँ आप कहीं भी जाते हो उससे सबसे बेटर अच्छी जगह जो है, हम इधर से आए हैं ट्रैवल किया हमने, बाइक राइडिंग की, बहुत मजा आया, बहुत ज्यादा। डैम से होते हुए हम उधर से आए सुल्ला पार्क, रास्ते में सियाड़ बाबा, अगर आप सियाड़ बाबा तक आते हो तो उधर से मोस्टली 5 किलोमीटर है, 5 या 6 किलोमीटर लगा लो, उससे आगे आई है जो जगह जहां पर हम आए, बहुत अच्छा लगा। चिंका बोलते हैं इसको, अरनास के पास पड़ता है। आप सलाल वाले रास्ते से भी आ सकते हैं और इस रास्ते से डैम वाले रास्ते से भी आ सकते हैं, बट जो ये डैम वाला है रोड थोड़ा खराब है बीच से, लेकिन काफी थ्रिलिंग एक्सपीरियंस पास पड़ता है वो, थोड़ा आपको 5-7 किलोमीटर जो सलाल वाला रास्ता। सो बेसिकली जगह बहुत अच्छी है बट थोड़ा मौसम की वजह से कुछ लोगों को पसंद नहीं आएगी, एंड रस्ते में आपको एडवेंचर भी फील होगा बिकॉज हम बाइक पे आए हैं तो एडवेंचर वैसा फील होगा, गाड़ी पे आएंगे तो वैसा फील नहीं होगा। काफी थ्रिलिंग एक्सपीरियंस था बाइक के लिए, काफी थ्रिलिंग एक्सपीरियंस था बाइक के लिए। अगर जो जो भी हमारे फ्रेंड्स बाइक पे आना चाहते हैं, काफी थ्रिलिंग एक्सपीरियंस है और आपके लिए नया एक्सपीरियंस है और अच्छा लगेगा आपको, आपको डेफिनेटली बहुत पसंद आएगा। लेकिन मैं जम्मू से निकला हूँ बाइक लेके और कसम से इतना मजा आया ना, इतना मजा आया मैं बता भी नहीं सकता आपको। मैं ये भाई पहली बार राइड भाई, मैं इनके पीछे बैठा हुआ था, पूछो ही नहीं यार। नहीं मैं किश्तवाड़ बद्रवाह श्रीनगर गया, दो बार गिरते हुए बचा भाई, वीडियो में आपने देख लिया होगा। मैं किश्तवाड़ बद्रवाह श्रीनगर बाइक में गया, ऊपर इस रोड में पहली बार आया हूं, नहीं हूं बाइक में, सबको पता ही है जब आप देखोगे मैं बाइक स्कूटी पे कहीं नहीं ट्रैवल करता ना, मैं बैठता हूं। बाकी इनके पीछे मैंने कम से कम 50 किलोमीटर सफर किया। एक और भाई बचा हमारा, कहां गया ये भाई हमारा, ये भी बताएगा, ये बहुत काम आता है भाई। तुझे कैसा लगा ये बता दे।
भाई मेरे लिए तो अच्छा एक्सपीरियंस था एक्चुअली, मेरे लिए एक्सपीरियंस वही मैटर करता है, लोग मैटर करते हैं साथ में आने वाले, तो मेरे सराउंडिंग अच्छे हैं। अरे वही कह रहा हूँ कि सारे लोग अच्छे हैं, इसलिए मेरा ट्रिप बहुत अच्छा। चलो लास्ट टाइम यही बोलेंगे, आप भी सब आइए, एंजॉय यहाँ पे आए और अपनी अपनी बाइक्स लेके आए। हाँ जी, इतना मजा बेसिकली आपको मजा तब आएगा जब आप बाइक्स पे आएंगे। ये बेसिकली उनके लिए जो बाइक राइड करते हैं उनके लिए, गाड़ी पे तो सब आ जाते हैं बट बाइक पे आएंगे। अगर ये देख के आप एक बार आ जाओगे ना तो आप बोलोगे नहीं यार हमने देखा था उन भाइयों ने हमें। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर और कमेंट करके अपने व्यू देना कि कैसा है। अभी हमने नेक्स्ट आगे जाना जो टूर, तो फिर हमें अच्छा लगेगा और आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें और बाइक सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज। नहीं फिर लास्ट में बोलते ना भैया, बोलते ना आंदे 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 क्या आने दे, लाइक फॉलो आने दे। और भाई अगर वीडियो आपको पसंद आई होगी इंस्टा पर भी फॉलो करो, यहाँ भी सब्सक्राइब करो, आपको बहुत अच्छी चीजें मिलेंगी आने को जो आगे हम लाएंगे आपके लिए। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।